हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट पार्ट फॉर द चैप्टर ग्रीटिंग्स सो कमिंग टू पेज नंबर थर्टी सिक्स देर इज अ पोएम हेयर माई फैमिली सो लेट सिंग द पोएम फर्स्ट मदर मदर विल यू प्ले विद मी येस आई शेल येस आई शेल वी आर अ फैमिली ये पूछ रहा है मदर क्या आप मेरे साथ खेलोगे तो मदर क्या बोलती है येस बिल्कुल क्योंकि हम एक फैमिली हैं देन फादर फादर विल यू ईट विद मी यस आई शेल येस आई शेल वी आर अ फैमिली तो फादर से पूछता है कि फ़ादर क्या आप मेरे साथ खाना खाएंगे फादर कहते हैं येस yes, क्योंकि हम एक फ़ैमिली हैं देन ब्रदर सिस्टर विल यू डांस विद मी यस आई शेल येस आई शेल वी आर अ फैमिली अब पूछता है कि ब्रदर सिस्टर क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे तो वो बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं क्योंकि हम एक फैमिली हैं देन ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर विल यू सिंग विद मी ग्रैंड मदर से पूछता है क्या आप मेरे लिए गाना गाएंगे येस आई शेल यस आई शेल वी आर अ फैमिली बिल्कुल क्योंकि हम एक फैमिली हैं देन ग्रैंड से पूछता है ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर विल यू रीड विद मी येस आई शेल येस आई शेल वी आर अ फैमिली ग्रैंडफादर से पूछता है क्या आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो ग्रैंडफादर कहते हैं हाँ क्योंकि हम एक फैमिली हैं तो हम भी अपनी फैमिली के साथ अपने सारे ही काम करते हैं सारी बातें शेयर करते हैं मस्ती करते हैं है ना तो ये जो पोएम है ये फैमिली के बारे में है कमिंग टू नेक्स्ट पेज लेटर्स रीड दिस इज अ ब्यूटिफुल स्टोरी अबाउट द स्पैरो फैमिली क्या आपने कभी स्पैरो की फैमिली के बारे में सुना है स्पैरोज की भी फैमिली होती हैं येस yes, आज की स्टोरी में हम सीखेंगे स्पैरो की फैमिली के बारे में यहाँ देखिए आपको दो स्पैरोज दिखाई दे रही हैं है ना तो ये क्या कर रही हैं? मेकिंग नेस्ट अपना घोसला बना रही हैं. चलो स्टार्ट रीडिंग नाउ मम्मा एंड पापा स्पैरो वर मेकिंग अ नेस्ट सो मम्मा और पापा स्पैरो क्या बना रहे थे अपना एक घोंसला बना रहे थे दे फाउंड अ सेफ प्लेस उनको एक सेफ प्लेस मिला एक बिल्कुल सुरक्षित जगह मिली द लिटिल नेस्ट was सून रेडी और जो छोटा घोंसला था वो जल्दी से रेडी हो गया था इट was सॉफ्ट एंड warm. ये बहुत ही सॉफ्ट था और warm था warm होता है गर्म सॉफ्ट होता है मुलायम कमिंग टू पेज नंबर थर्टी एट ममा लेड थ्री स्मॉल एग्स ममा स्पैरो ने कितने एग्स दिए थ्री स्मॉल एग्स दिए वन डे द एग्स प्रोक ओपन। एक दिन सारे के सारे अंडे टूटकर ओपन हो गए थ्री लिटिल हेड्स पॉपड आउट उसमें से तीन छोटे छोटे बच्चे बाहर निकले पापा स्पैरो ब्रॉड फूड फॉर देम और पापा स्पैरो आए फूड लेकर आए खाना लेकर आए उसके बाद क्या होता है ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर स्पैरो कजें एंड फ्रेंड्स ऑल केम टू मीट द बेबी स्पैरोज ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर स्पैरो अंकल और आंट स्पैरो कजिन्स फ्रेंड्स आते हैं बेबी स्पैरो से मिलने के लिए द बेबी स्पैरोज ग्रू बिगर एंड बिगर जो बेबी स्पैरोज थे वो अभी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे वन डे द बेबी स्पैरोज होप्ड आउट ऑफ द नेस्ट एक दिन बेबी स्पैरोज नेस्ट से बाहर फुद के बाहर उन्होंने जंप किया दे फ्लू अप इंटू द बिग ब्लू स्काई और वो बड़े से नीले आसमान में उड़ने लग गए तो ये थी ब्यूटीफुल सी स्टोरी अबाउट

आप मम्मा पापा की भी हेल्प करते होंगे अपने दादा दादी की भी करते होंगे तो कैसे करते हैं वो आप यहाँ पे बताएंगे देन थर्ड वन वट आर द नेम्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के क्या नाम हैं आपके दो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं एक होते हैं पैटर्नल एक होते हैं मैटरनल पैटर्नल मतलब आपके पापा के पेरेंट्स और मैटरनल आपकी मम्मा के पेरेंट्स तो आपको उन सबके नेम लिखने हैं देन नंबर फोर विच बर्ड डू यू सी अराउंड यूर हाउस आप अपने घर के आसपास कौन सा बर्ड देखते हैं उसका आप नाम लिखेंगे नंबर फाइव इफ़ यू वर् द बेबी स्पैरो वेयर वुड यू गो फ्लाइंग मान लीजिए आप बेबी स्पैरो होते तो आप कहाँ जाना पसंद करते तो आप यहाँ पर बताएँगे देन नंबर सिक्स वॉट डू थिंक द बेबी स्पैरोज सॉ फ्रॉम द स्काई आपको क्या लगता है बेबी स्पैरोज़ ने आसमान से क्या देखा होगा हो सकता है उन्होंने फील्ड्स देखे हों हाउसेस देखे हों ट्रीज देखे हों है ना तो जो भी आपको लगता है आप यहाँ पर लिखेंगे नाउ वॉट डू यू कॉल द फॉलोइंग मेंबर्स इन योर मदर टंग मान लीजिए आपकी मदर टंग हिंदी है या कोई और लैंग्वेज है तो उसमें आप अपने फैमिली मेंबर्स को कौन से नाम से बुलाते हैं जैसे मदर को हम मम्मी बुलाते हैं मम्मा बुलाते हैं या हिंदी में माँ भी बुलाते हैं है ना तो आप अपनी लैंग्वेज में बताएंगे कि आप इन फैमिली मेम्बर्स को क्या बुलाते हैं फादर को एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर आंट और अंकल इन सबको आप क्या बुलाते हैं उनका आप यहाँ पर नाम लिखेंगे पेज नंबर फोर्टी ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली इन द बॉक्स गिव यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है उसमें आप अपनी फैमिली मेम्बर्स का पिक्चर ड्रॉ करेंगे आप अपने गार्डन की फ़ोटो भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने पैट्स की है ना अपने प्लांट्स की जो भी आप ड्रॉ करना चाहें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ड्रॉ कर सकते हैं देन आते हैं नेक्स्ट पेज फोर्टी वन लेटर्स डू द वर्ड फादर बिगिन्स विद फ साउंड फादर किससे शुरू होता है फ साउंड से तो रीड द फॉलोइंग वर्ड्स दैट बिगिन विद फ साउंड अभी हमें उन वर्ड्स को रीड करना है जो फ साउंड से शुरू होते हैं सो द फर्स्ट वन फॉर फॉक्स देन फॉर फैदर फॉर food f foot f five f flag तो ये सारे वर्ड्स फ साउंड से स्टार्ट होते हैं नाउ आपको उन वर्ड्स को रीड करना है जो म साउंड से शुरू होते हैं जैसे कि मदर तो ये देखिए यहाँ पे म मैन म मास्क म माउस म मून म मंकी म माउथ तो आप इन सबको रीड करेंगे कमिंग टू पेज नंबर forty two, रीड द वर्ड्स इन द बॉक्स टिक द वर्ड्स that बिगिन विद एफ एफ से जो वर्ड्स शुरू होते हैं उनको आपको टिक करना है और जो एम से शुरू होते हैं उनको आपको सर्कल करना है तो फर्स्ट वन देखिए फिश फिश किससे शुरू होता है फ से तो टिक करेंगे देन मग म से तो सर्कल करेंगे म मैप सर्कल करेंगे है ना सिस्टर ना एफ़ से शुरू होता है ना एम से तो इसको हम नहीं टिक करेंगे देन फेस फ तो टिक करेंगे मैट म सर्कल करेंगे फैन फ टिक करेंगे आई किसी से भी नहीं होता है तो ना सर्कल करेंगे ना टिक करेंगे देन फिंगर फ इसको टिक करेंगे एंड मिल्क म सर्कल करेंगे ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट बी पार्ट राइट द वर्ड्स यहाँ पर स्पेस दिया है आपको फादर मदर सिस्टर एंड ब्रदर को टू टू टाइम्स अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है ये आपका राइटिंग पार्ट है अब आते हैं पेज नंबर फोर्टी थ्री पिक्चर टॉक एक पिक्चर यहाँ पे दी हुई है ये बाथरूम पिक्चर है और आपको जो भी वहाँ पर चीज़ें हैं उनको लेबल करना है मतलब उनके नेम बताने हैं ये देखते हैं सबसे पहले ये क्या है शावर जहाँ से पानी आता है देन जिसपे हम टावर टांगते हैं वो क्या होता है हैंगर इसके बाद पानी कहाँ से आता है टैप में से सो दिस इज टैप अच्छा हम टूथब्रश को कहाँ रखते हैं टूथब्रश होल्डर में तो इसका नाम क्या हो जाएगा टूथब्रश होल्डर हम अपना फेस कहाँ देखते हैं मिरर में सो दिस इज मिरर देन नीचे देखते हैं हम पानी किसमें भरते हैं बकेट में तो यहाँ आएगा बकेट देन दिस इज मग और ये क्या है ये है एक टब टी यू बी टब अच्छा ये क्या है हम क्या लगाते हैं अपनी बॉडी पे सॉप तो यहाँ आएगा सॉप ठीक है हम बैठते किस पे हैं जब नहाते हैं दैट इज कोल्ड बाथिंग स्टूल दिस इज कॉल्ड बाथिंग स्टूल और ये क्या है हमारे स्लीपर्स और जब पानी बिखर जाता है पूरे बाथरूम में तो हम किससे साफ करते हैं वाइपर से मरर के जो नीचे है जिसमें हम अपना मुँह या हाथ धोते हैं दैट इज़ कोल्ड वॉश बेसिन क्या बोलेंगे इसको वॉश बेसिन तो ये आप अपने टेक्स्ट बुक में फिल करेंगे और इनकी स्पेलिंग्स को लर्न करेंगे चलिए कमिंग टू नेक्स्ट पेज लेटर साउंड्स फर्स्ट देखते हैं यू यू की लेटर साउंड देखते हैं कौन कौन सी है यूनिफॉर्म एंड यूटेंसिल्स तो यू की साउंड यू ही है इसमें यू से यूनिफॉर्म एंड यूटेंसिल्स देन वी की साउंड होती है व वैन वाज वाज होता है फूलदान जिसमें फूल रखते हैं ठीक है देन डब्ल्यू की साउंड होती है व वी की होती है वो डब्ल्यू की होती है व डब्ल्यू से वेल एंड दिस इज वॉल वेल होता है कुआं वॉल होती है दीवार उसके बाद हम साउंड देखते हैं एक्स की एक्स से क्या होता है एक्स रे एंड जाइलोफोन यहाँ पे एक्स की साउंड एक्स ही है यहाँ पे है जाइलोफोन तो ज हल्की सी ऐसी आवाज़ आएगी इसको बोलेंगे जाइलोफोन देन वाई वाई से याक एंड यो यो ये साउंड्स हैं देन जेड की साउंड होती है जी जी फोर जिप एंड जी फोर जेब्रा तो ये हमारी ए से लेकर जेड तक की सारी साउंड्स हमने अब फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट कर ली हैं कमिंग टू नेक्स्ट पेज फोर्टी फाइव नोटिस द इनिशियल साउंड ऑफ़ द नेम्स ऑफ द पिक्चर्स इन ईच रो फाइंड द ओल्ड वन आउट जो अलग है उसको हमें सर्कल करना है और इनिशियल साउंड चेक करनी है फर्स्ट में देखिए ये क्या है शिप तो इसकी इनिशियल साउंड हो गई एस देन स्पून इसकी भी एस लास्ट में लीफ एल तो डिफरेंट क्या हो गया लीफ तो ऐसे ही हम बाकी सब का करेंगे सेकेंड में दिस इज सन एस टमैटो टी टेन टी तो डिफरेंट क्या है सन थर्ड में दिस इज ट्री दिस इज पैरट प दिस इज पॉट प तो डिफरेंट क्या है ट्री इसको हम सर्कल करेंगे देन कलर द पिक्चर्स एंड द लेटर्स यहाँ पे लेटर हैं और पिक्चर्स भी हैं तो उनको आप कलर करेंगे तो फर्स्ट लेटर है टी कैपिटल और स्मॉल इसको भी कलर करेंगे और इसमें पिक्चर्स कौन सी हैं दिस इज अ ट्री टेबल टैप टमैटो तो आप इसमें कलर करेंगे देन आर कैपिटल एंड स्मॉल दिस इज रॉकेट रैड रिंग एंड रोज तो इसमें भी आप कलर करेंगे सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर टू ग्रीटिंग्स फॉर द यूनिट वन आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में तब तक के लिए बाय बाय कीप लर्निंग